हेलो फ्रेंड, देखिए आज का ब्लॉग न्यू ब्लॉग के साथ आई हूँ। ये है चना दाल, इसको बाफ ली हूँ। उसके बाद इसको इस पर सिलाटा पे पीसूँगी, पीस के इसको पूरी बनाऊँगी। आप लोग के ब्लॉग में बताऊँगी कैसे क्या हो रहा है। अभी पीस रही हूँ, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, तब तक मैं पीस के आपसे फिर मिलती हूँ। इसको बारीक पीसना है, ये बाफ लेंगे इसके गैस पे, उबाल के इसको बारीक पीसना है कि भरने में आसान रहती है ना, पूरी फटती नहीं है। देख सकते हैं आप लोग, आप लोग ऐसे करके ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है, स्वादिष्ट लगती है खाने में। के मिलती हूँ आप लोग से फिर, ब्लॉग में बने रहिएगा। फ्रेंड इसमें जीरा भी ऐसे भून के, इसमें जीरा भी डाल दीजिएगा आप लोग। जीरा भून के थोड़ा इसके सिलौटे पे रगड़ के डाल दीजिएगा। फ्रेंड इसमें भून के रखी हूँ, अब इसमें थोड़ा ऐसे करके फूट के इसमें मिक्स कर दूँ। अभी इसमें जीरा ऐड कर ली हूँ फ्रेंड, देख सकते हैं आप लोग। नमक ऐड करती हूँ, स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिएगा आप लोग। मैं चम्मच से ज़्यादा हो जाता है, स्वाद अनुसार आप लोग नमक डाल सकते हो। स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ, मिक्स कर दी हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड इसमें नमक भी ऐड कर दी हूँ और जीरा भी ऐड कर दी हूँ। स्वाद अनुसार आप नमक डालिएगा तो सही अच्छा लगता है। अभी फाइनली मैं रेडी कर चुकी हूँ इसको यहाँ रख देती हूँ। आटा भी मेरा तैयार है, अब कढ़ाई भी चढ़ाई हूँ, इसमें आप गरम करके तेल भी डालूँगी। मैं इसको भर ली हूँ, चना दाल इसमें ऐड कर ली हूँ। अब हल्के से ही सहारा दे के इसको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है बस। चने दाल की तवा गरम करके इस पर ऐसे करके तब इसमें ऐड कर लूँगी। हो चुका है देखिए फ्रेंड, इस तेल भी गरम हो चुका है। अब मैं इसको फिर इसको लूँगी ऐसे, देखिए इसको मैं इसमें लूँगी। इसको हल्के हल्के बेलना है, पूरा इशारे से बेलना है, इशारा से, ये नहीं कि दम लगा के नहीं बेलना है। इसको हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया है, ज़्यादा बड़ा हो गया है फ्रेंड। अब मैं छोटा ही बनाऊंगी। अब फ्रेंड तवा गर्म हो गया है, मैं इसको डाल दी हूँ। आप लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देख सकते हैं एक तरफ का हो गया, अब एक तरफ के ऐसे ही करना है। देख सकते हैं फ्रेंड आप लोग, हमारा पूरी कितना अच्छा पूरी है। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड ये कितना अच्छा हो चुका है। ये हो गया हमारा पूरी, देख सकते हैं कितना अच्छा खिला है। अब इसको भी सब इसी तरह करना है फ्रेंड। आप लोग देख सकते हैं पूरी कैसा खिल गया है, कितना मस्त हुआ है।
आप लोग देख सकते हैं। अरे भाई भाई फ्रेंड, इसमें जीरा, गोल मिर्च, धनिया और लहसुन एक जेठा सूखा मिर्च ऐड कर पेस्ट बना ली हूँ। अब यहाँ रख देते हैं, पेस्ट बन चुका है हमारा। एक टमाटर काट के डालेंगे, एक प्याज डालेंगे एक जेठा। इसमें सोयाबीन उबाल ली हूँ, अब इसमें तल देंगे सारी सोयाबीन। छोटी वाली सोयाबीन मुझे अच्छी लगती है, आप लोग अपने अनुसार सोयाबीन कौन से बड़ी वाली खाते हैं आप लोग की छोटी वाली, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देख सकते हैं सोयाबीन बहुत सारा है, बच्चों की पसंद है, जब तलेंगे तो कम हो जाएगा। फ्रेंड, इसमें जीरा, गोल मिर्च, धनिया और लहसुन एक जेठा सूखा मिर्च ऐड कर पेस्ट बना ली हूँ। अब यहाँ रख देते हैं, पेस्ट बन चुका है हमारा। एक टमाटर काट के डालेंगे, एक प्याज डालेंगे एक जेठा। इसमें सोयाबीन उबाल ली हूँ, अब इसमें तल देंगे सारी सोयाबीन। छोटी वाली सोयाबीन मुझे अच्छी लगती है, आप लोग अपने अनुसार सोयाबीन कौन से बड़ी वाली खाते हैं आप लोग की छोटी वाली, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देख सकते हैं सोयाबीन बहुत सारा है, बच्चों की पसंद है, जब तलेंगे तो कम हो जाएगा। हमारा मसाला भून गया है, इसमें सब चीज ऐड करते हैं। देखिए हमारा मसाले के कलर देख सकते हैं, और आप इसमें टमाटर रखे हैं काट के। सकते हैं कितना देखने में कितना अच्छा लग रहा है, स्वादिष्ट कलर भी बहुत मस्त, बहुत जबरदस्त लग रहा है, सब्जी बहुत जबरदस्त बनेगी। देख सकते हैं आलू डाल रहे हैं, ऐसे आलू भी डाल दे रहे हैं आप लोग भी, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा टुकड़ा आलू देख सकते हैं, इतना बड़ा बड़ा होना चाहिए थे। हाँ, ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है, ऐसे पीला करना है इतना बड़ा। अब इसमें सोयाबीन ऐड कर रहे हैं, आप देखिए फ्रेंड, मैं इसको चला रही हूँ। देखिए फ्रेंड, अच्छे से इसको मिला दूँ, अच्छे से ज़्यादा बारीक ना, ज़्यादा बड़ा बड़ा ना, मीडियम साइज होना चाहिए इसका आलू का जो टुकड़ा होता है ना, बड़ा नहीं होना चाहिए। रुक जाइए फ्रेंड, देखिए फ्रेंड मैं पानी डाल दे रहे हैं, आप इसको जितना इसमें रसा चाहिए आप लोग अपने स्वाद अनुसार रखिएगा कि कितना पे आप लोग खा सकते हैं। पूरी पर ज़्यादा रसा नहीं अच्छा लगता है। और इसमें देखिए फ्रेंड मैं टमाटर भी डाल दूँ, धनिया पत्ता भी डाल दूँ फ्रेंड, इस सब धनिया पत्ता डाल दूँ और इसको थोड़ा कर दूँ ऐसे। और हमारी फ्रेंड सब्जी देखिए, आप लोग देख सकते हैं सब्जी का
कलर कैसा लग रहा है फ्रेंड। अब इसको थोड़ा ढक दूँ, ढकने के बाद 5 मिनट बाद उतार दूंगी मैं इसको। अब हमारा सारा काम ओके हो गया, अब पूड़ी भी बन गया है, पूड़ी उधर रख दी हूँ, पूड़ी यहाँ बन चुका है। फाइनली दोस्तों मैं पूड़ी यहाँ बना चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये दाल पूड़ी है बिहारी स्टाइल में, चने दाल इसमें भरी हूँ। अब इसको ढक दूँ, देख सकते हैं सब्जी हमारी थोड़ा सा और डब जाएगी तो मैं इसमें और पानी ऐड करूँगी, क्योंकि दबाने के बाद सारा पानी इसमें जल जाएगा। थोड़ा सा और पानी ऐड कर दी, अब अच्छा से इसको डबक जाएगा ना, देख सकते हैं कितनी अच्छी कलर बनी है सब्जी की। बताइएगा जिसको जिसको खाना है कमेंट जरूर करिएगा।